Good morning all of you. I hope you all are fine and safe at your home. Today in maths we will do our next exercise, exercise 7.6. Our first sum is solve 2 by 3 plus 1 by 7. हमें इनके क्या करना है रजे, इन्हें सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 2 by 3 है हमारे पास प्लस 1 by 7. अब रजे इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना वो सेम नहीं है. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम उन्हें सेम बनाने के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ना. तो रजे देखिए हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 and 7 का. पहले 3 and 7, 3 पर ही जा रहा है डायरेक्ट, 3 1 3, 7 as it is 7, देन 1 as it is 7 1 7. हाँ जी, क्या आया रजे इन दोनों का एलसीएम, 7 multiply by 3 21 आया इनका एलसीएम. अब देखिए इनका जो है वो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो जो हमारा एलसीएम लेने के बाद जो आता है ना रजे, उसे हम डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. हाँ जी, तो 21 को 3 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 3 7 से 21 होता है 7 आ जाएगा. 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा रजे, 7 2 14. ओके, देन ऑपरेशन क्या है, प्लस प्लस एज इट इज लगाइए. अब नेक्स्ट करेंगे, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे रजे कीजिए, 7 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है रजे, 7 3 21 होता है. तो 3 को 1 से क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब ऐड कर देंगे रजे, 14 plus 3 क्या हो जाएगा, 17. 21 एज इट इज हमारा आंसर क्या आ गया, 17 by 21. क्लियर, हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं था. डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने एलसीएम लिया, जब हमारा एलसीएम आ गया हमने क्या किया, उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया, और जो आंसर आया उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अगर आपके यहाँ माइनस होता तो आप यहाँ माइनस कर देते रहे, प्लस बोला हुआ तो आप प्लस कर दो. क्लियर, क्लियर राजे, सभी पार्ट इसके सेम हैं. जैसे 7.5 एक्सरसाइज में तो हमें डिनोमिनेटर सेम ही गिवन होता थी, तो हमें प्लस और माइनस करना इजी हो जाता था. बट इस सम्स में क्या है रजे, हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं गिवन. हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए उनका क्या लेना पड़ेगा रजे, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम लेने के बाद आप डिनोमिनेटर से उसे डिवाइड करोगे, और जो आंसर आएगा उसके साथ न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर दोगे. यही सेम चीज़ आपने हर सम में फॉलो करनी है रजे, यही मेथड है इसे सॉल्व करने का. क्लियर, जैसे मैं एक पार्ट और करवा देती हूँ रजे आपको. बी पार्ट में ये क्या बोल रहा है, 3 by 10 प्लस 7 by 15. इसमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनका क्या लेंगे, नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 10 and 15. हाँ जी, लीजिए एलसीएम किस पर जा रहा है, पहले हम स्टार्टिंग 2 से करते हैं रजे, सबसे छोटे से ही करते हैं. तो 2 से करेंगे, 2 5 10, 15 नहीं जाता, 15 एज इट इज़. अब ये 3 पर जा रहा है ना, 15, 3 से करेंगे, 5 नहीं जाता, 5 एज इट इज़, 3 5 15 होता है. ठीक है रजे, नेक्स्ट 5 से करेंगे, 5 1 and 1. अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 multiply 3 multiply 5 क्या आ जाएगा रजे, 2 multiply by 3 6 6 5 30. क्या आंसर आ गया मेरे पास, 30. तो मेरा क्या आया एलसीएम, 30 को 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, 10 3 30 होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 क्या होता है रजे, 9 होता है, प्लस का साइन एज इट इज. नेक्स्ट 15 को डिवाइड कीजिए 30 से रजे, क्या आएगा, 15 1 15 and 15 2 30. 2 आया मेरे पास, 2 को 7 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14. हाँ जी, 14 में कीजिए 9 ऐड, क्या आएगा, 23, और बाय में 30 एज इट इज़. आंसर क्या आ गया रजे, 23 by 30. क्लियर, ऐसे हमने सभी सम्स को सॉल्व करना है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे. हाँ जी, मैं आपको एक बात बता दूँ रजे, जब आप एलसीएम लोगे ना तो जो आपका एलसीएम आएगा, 2 numbers हैं 3 numbers हैं डजेंट मैटर, अगर आपका जो एलसीएम आएगा वो नंबर ऐसा होगा रजे जो दोनों डिनोमिनेटर से ईजिली डिवाइड होगा. ये चेक करने का एक वे है कि हमारा एलसीएम गलत निकाल रहे हैं या सही निकाल रहे हैं. वैसे तो आपको बहुत अच्छे से आता है एलसीएम फाइंड आउट करना रजे, मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप एलसीएम लोगे ना, जो नंबर आपका आएगा एलसीएम लेने के बाद, वो नंबर दोनों डिनोमिनेटर से इजीली डिवाइड होता होगा. ऐसे नहीं होगा कि एक से तो हो रहा है एक से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. क्लियर, तो इसको चेक करने का एक वे है रजे की. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, इसके सभी पार्ट्स यू कैन डू इजीली. नेक्स्ट देखिए रजे,
सरितना बोट 2/5 meter ऑफ रिबन एंड ललिता 3/5 meter ऑफ रिबन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बोट। क्या बोल रहा है कि सरिता ने 2/5 meter रिबन लिया है और ललिता ने कितना लिया है रजे, 3/4। हमें बताना है कि दोनों ने टोटल कितना रिबन खरीदा है। तो रजे हम इसे कैसे राइट करेंगे, देखिए हम राइट करेंगे सारिका बॉट रिबन। सारिका ने कितना रिबन बॉट किया है रजे, 2/5। सारिका ने कितना रिबन लिया है, 2/5 meter हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट ललिता ने लिया है रजे 3/4। तो हम राइट करेंगे ललिता बॉट रिबन कितना लिया है उसने, 3/4 meter। अब हमें टोटल फाइंड आउट करना है, तो हम राइट करेंगे टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट। क्या करेंगे, 2/5 + 3/4। अब इनके भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए रजे क्या लेंगे हम, इनका दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। लीजिए रजे 5 और 4 का एलसीएम, 2 पर जा रहा है 5 नहीं जाता, एज इट इज़ राइट कीजिए 2, 2 ज़ा 4। देन अगेन 2 पर जा रहा है 5 एज इट इज़, 2, 1 ज़ा 2, फिर देन 5 पर जाएगा ये 5, 1 ज़ा n, 1 अगेन। हाँ जी कीजिए मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20। क्या आ गया मेरे पास एलसीएम आ गया इनका रजे, 20 आ गया। हाँ जी इसे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। कीजिए रजे 20 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 5 4 ज़ा 20 होता है, 4 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा क्या होता है रजे, 8 होता है, प्लस का साइन एज इट इज़। नेक्स्ट 4 के साथ भी हम ऐसे करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 20 से, क्या आएगा रजे 4 5 ज़ा 20 होता है, 5 आ गया हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा रजे, 15। तो 8 + 15 कितना हो जाएगा रजे, 23/20 meter। मींस उन दोनों ने टोटल रिबन कितना लिया है, 23/20 meter। क्लियर। नेक्स्ट सम देखिए रजे, नैना वॉज गिवन 1 × 1/2 पीस ऑफ केक एंड नजमा वॉज गिवन 1 × 1/3 पीस ऑफ केक, फाइंड दी टोटल अमाउंट ऑफ केक वॉज गिवन टू बोथ ऑफ दैम। थर्ड सम में क्या बोल रहा है कि नैना को 1 × 1/2 पीस दिया केक का और नजमा को 1 × 1/3 पीस दिया केक का। हमें बताना है कि टोटल कितनी अमाउंट पर जो केक है उन दोनों को दिया। तो हम कैसे राइट करेंगे रजे, देखिए थर्ड सम है ये हमारा, पीस ऑफ केक गिवन टू नैना, पीस ऑफ केक गिवन टू नैना। पहले नैना को कितना दिया है रजे इन्होंने, 1 × 1/2, तो 1 × 1/2। नेक्स्ट पीस ऑफ केक गिवन टू नजमा, नजमा को कितना दिया है रजे इन्होंने, 1 × 1/3, तो हम राइट करेंगे 1 × 1/3। क्लियर। अब हमें बताना है कि कितना जो केक है उन दोनों को हमने दिया, तो हम राइट करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ केक, टोटल अमाउंट ऑफ केक फाइंड आउट करना है ना रजे। हाँ जी रजे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम पहले इम्प्रॉपर में बनाएंगे। 2 × 1 डिनोमिनेटर होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और जो आंसर आता है उसमें न्यूमिनेटर ऐड होता है। तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3/2। नेक्स्ट 3 × 1 = 3, 3 + 4 = 1, 4, 4/3। हाँ जी अब इनको ऐड करेंगे, 3/2 + 4/3। इन दोनों को ऐड कीजिए, हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए रजे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। लीजिए रजे एलसीएम, 2 × 1 आ जाएगा, 3 एज इट इज़, 3 से करेंगे फिर 1 और 1 क्या आ जाएगा रजे एलसीएम हमारा, 2 × 3 = 6, 6 आ गया रजे हमारे पास एलसीएम। अब 6 को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसमें न्यूमिनेटर ऐड कर देते हैं। तो 3 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा रजे, 3/2 है प्लस 4/3 है, हमारा एलसीएम आया 6। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 3 में से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, 2 × 3 = 6 होता है, 3 × 3 = 9, प्लस का साइन एज इट इज। अब 6 को कीजिए 3 से डिवाइड, 3 × 2 = 6 होता है, 2 आ जाएगा, 2 × 4 = 8, तो 9 + 8 कितना हो जाएगा रजे, 17/6। कितना जो केक है उन दोनों को दिया गया, 17/6। ओके
क्लियर। नाउ फोर्थ सम देखिए रजे, फिल इन दी बॉक्सेस, हमें को फिल करना है। कैसे करेंगे? इसमें भी रजे जो हमें बॉक्स गिवन है उसमें फ्रैक्शन लगानी है, माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई फोर। तो रजे हम कैसे करेंगे, जो बॉक्स हमें नहीं पता ना इसमें कौन सी फ्रैक्शन आएगी, तो हम इसकी जगह एक्स सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? एक्स सेलेक्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम इस बॉक्स की जगह क्या सेलेक्ट करेंगे रजे, एक्स, एंड बाकी सब कुछ एज इट इज़ राइट करेंगे, इज इक्वल टू वन अपॉन फोर। हाँ जी, हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम उसको एक्स को हमारी लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और वन बाय फोर एज इट इज़। रजे देखिए ये माइनस का है ना, फाइव बाई एट, जब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, मीन्स इसको इज इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे, फाइव बाई एट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा है, इसे हमने राइट हैंड साइड में लेकर आना है ना, तो हम क्या करेंगे रजे, ये माइनस का है यहाँ आकर ये किसका हो जाएगा रजे, प्लस का हो जाएगा। क्लियर। अब इन्हें ऐड कर देंगे, ऐड करने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम चाहिए, सेम नहीं है तो सेम कैसे बनाएंगे, फोर और एट का क्या लेंगे रजे, एलसीएम लेंगे। लीजिए एलसीएम, टू पर गया, टू टू ज़ा फोर, टू फोर ज़ा एट, देन फिर अगेन टू पर जा रहा है, टू वन ज़ा टू एंड टू टू ज़ा फोर, देन फिर टू पर जा रहा है रजे, वन एंड टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू 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 ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, क्या आ गया हमारे पास एलसीएम, एट आ गया। अब नीचे वाले से डिवाइड होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो एट को रजे डिवाइड कीजिए फोर से, टू आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाय वन, टू, प्लस का साइन एज इट इज़। एट को एट से डिवाइड करेंगे, वन आएगा, वन मल्टीप्लाई बाय फाइव, फाइव, हाँ जी अब इजिली प्लस हो जाएगा, टू प्लस फाइव सेवन, एट एज इट इज़। तो एक्स क्या आ गया रजे हमारा, सेवन बाय एट। क्लियर रजे, हमने यही फाइंड आउट करना था ना कि इस जगह पर क्या आएगा, हमने एक्स सेलेक्ट करके निकाला। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ सम में देखिए रजे, इजी है, आपने इसे बुक में ही करना है। कैसे करना है, आपको एक बॉक्स बना हुआ है उसके ऊपर एरो का निशान, मीन्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जाएंगे तो हमें एडिशन करना है, और अगर हम टॉप से बॉटम से जाएंगे तो हमें माइनस करना है। तो रजे टू बाय थ्री, फिर फोर बाय थ्री, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टू ऐड कर देंगे, सिक्स बाय थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वन बाय थ्री है, यहाँ टू बाय थ्री है, नेक्स्ट ऐड कर देंगे, थ्री बाय थ्री हो जाएगा। एडिशन वाला हो गया, अब सब्ट्रैक्शन वाला, अब हम टॉप से बॉटम में आएंगे, टू बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फोर बाय थ्री माइनस टू बाय थ्री, टू बाय थ्री हो जाएगा रजे। सिक्स बाय थ्री माइनस थ्री बाय थ्री, थ्री बाय थ्री हो जाएगा। अभी हम इसे चेक करेंगे रजे, देखिए टू बाय थ्री, वन बाय थ्री, इनको हमने क्या किया था, ऐसे जब हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में गए थे तो हमने एडिशन किया था, और अगर हम टॉप से बॉटम में आए थे तो हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन किया था। तो रजे हम सब्ट्रैक्शन अपना चेक करेंगे, टू बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, फोर बाय थ्री माइनस टू बाय थ्री, टू बाय थ्री, सिक्स बाय थ्री माइनस थ्री बाय थ्री, थ्री बाय थ्री, इसे चेक कीजिए, वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री, आंसर क्या आ गया, थ्री बाय थ्री। क्लियर। ऐसे ही आपने इसे भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए रजे, सिक्स सम में क्या बोल रहा है कि ए पीस ऑफ वायर सेवन बाय एट मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू टू पीसेस, वन पीस वॉज वन बाय फोर मीटर लॉन्ग एंड हाउ लॉन्ग वॉज द अदर पीस। क्या बोल रहा है कि एक वायर थी सेवन बाय एट मीटर लॉन्ग थी, वो कितनी लॉन्ग थी, सेवन बाय एट मीटर जो वो लॉन्ग थी, एंड ब्रोक इनटू टू पीसेस, तो वो टू पीसेस में क्या हो गई रजे, टूट गई। वन पीस तो था रजे वन बाय फोर मीटर का, तो नेक्स्ट बताइए जो सेकंड अदर पीस था वो कितने, कितना लॉन्ग था। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्टली वी विल राइट टोटल लेंथ ऑफ वायर, कितनी थी टोटल लेंथ वायर की, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी थी रजे, सेवन बाय एट मीटर। नेक्स्ट हम राइट करेंगे लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ वायर, वन पीस की कितनी लेंथ वो बोल रहा है, वन अपॉन फोर, तो हम राइट करेंगे लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ वायर कितनी है, वन बाय फोर मीटर। तो मैं टोटल में से अगर इसे कट कर दो तो मेरे पास सेकंड पीस आ जाएगा वायर का कितना है। तो रजे आप सिंपल क्या करोगे, कट कर दोगे, सेवन बाय एट माइनस वन बाय फोर, इक्वल नहीं है डिनोमिनेटर तो एलसीएम लेंगे, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर इसे कट कर देना जैसे हम पिछले सम्स में करते थे ना जी। क्लियर। सेवन सम देखिए रजे, नंदनीज हाउस इज नाइन बाय टेन किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल, शी वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर वन बाय टू किलोमीटर टू रीच द स्कूल, हाउ फार डिड शी वॉक। इस समय क्या बोल रहा है कि नंदनी का जो स्कूल है उसके घर से नाइन बाय टेन किलोमीटर दूर है। क्लियर।
नेक्स्ट बोल रहा है, शी वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर रीच दी स्कूल। कहता है वह कुछ टाइम तो उसने पैदल कवर किया अपना डिस्टेंस, क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि उसने स्कूल पहुंचने के लिए ना 1/2 किलोमीटर था उसका डिस्टेंस, उसने क्या किया, उसके लिए बस ले लिए। हमें बताना है कि उसने कितना जो डिस्टेंस है वो मतलब वॉक करके मीन्स पैदल चलकर उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया। देखिए टोटल कितना डिस्टेंस था उसके घर से स्कूल तक का, 9/10, और बस कब कहाँ से ली उसने, जब 1/2 रह गया था। तो हमें बताना है कि कितना जो है वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया बाय वॉक। तो हम क्या राइट करेंगे, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल कितना है, 9/10 किलोमीटर। नेक्स्ट हम राइट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, कितना उसने बस से कवर किया है डिस्टेंस, 1/2 किलोमीटर। अब हमें बताना है डिस्टेंस शी वॉक, तो मैं क्या करूँगी, 9/10 में से 1/2 क्या कर दूँगी रजे, कट कर दूँगी। तो 9/10 - 1/2 LCM लेंगे रजे, LCM लेने हैं 2 और 10 का, जब हम LCM लेंगे तो रजे 10 आएगा हमारे पास। तो 10 नीचे वाले से डिवाइड एंड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 × 9 = 9, माइनस का साइन, देन 1/2 है तो 10 आ जाएगा, 2 × 5 = 10 होता है, तो 5 × 1 = 5, तो 9 - 5 = 4/10 मीन्स 4/10 जो डिस्टेंस है, 4/10 मीटर का डिस्टेंस उसने क्या किया है, पैदल कवर किया था, क्लियर। नेक्स्ट 8 सम देखिए रजे, आशा एंड सैम्युअल हैव बुक शेल्फ्स ऑफ द सेम साइज पार्श फिल्ड विद बुक्स, आशा सेल्फ इज 1/6 फुल ऑफ एंड सैम्युअल सेल्फ इज 2/5 फुल ऑफ, हूज बुक सेल्फ इज मोर बाय व्हाट फ्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं रजे कि दो फ्रेंड्स हैं आशा एंड सैम्युअल, उनके पास ना एक बुक शेल्फ्स हैं उनकी सेपरेट है, और आशा की जो बुक्स शेल्फ है वो 5/6 है वो फुल है बुक से, और सैम्युअल की कितनी है 2/5। हमें बताना है कि किसकी ज़्यादा है, तो हमें ग्रेटर और लेस देन बताना है ना, जैसे हमने ग्रेटर एंड लेस देन बताते थे रजे, हमने सेम वैसे ही बताना है इसमें भी। देखिए पहले हम राइट करेंगे आशा बुक शेल्फ फिल्ड विद बुक्स कितनी है, 5/6, सैम्युअल बुक शेल्फ फिल्ड विद बुक्स 2/5। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए LCM लेंगे, LCM नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे किसका ज़्यादा है हम बता देंगे, यहाँ पर आएगा आशा बुक सेल्फ इज ग्रेटर, आपने यही बताना है सिर्फ, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, जयदेव टेक्स 2 × 1/5 मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड, राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स टू डू सेम, हु टेक लेस देन बाय व्हाट फ्रिक्शन। कहता है कि जयदेव को 2 × 1/5 मिनट्स लगते हैं अपने स्कूल का ग्राउंड क्रॉस करने में, और जबकि राहुल को 7/4 मिनट्स लगते हैं अपना स्कूल का ग्राउंड क्रॉस करने में। हमें बताना है कि कौन जो है टाइम कम लेता है, तो रजे वही सेम है जैसे हमने 8 सम किया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बनाइए, फिर हमें बताना है 5 × 2 = 10, 10+1 = 11, 11/5 आ जाएगा, 11/5 या फिर 7/4, हमें बताना है कि कौन सबसे कम टाइम लेता है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या लेंगे रजे, LCM लेंगे, 5 और 4 का LCM लीजिए, क्या आ जाएगा रजे, 2, 5 as it is, 2 2 are 4, देन फिर अगेन 2, 5 as it is, 1, देन फिर 5 पर गया ये 1 and 1, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 आ गया रजे हमारा LCM। अब नीचे वाले से डिवाइड एंड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 4, 4 × 11 = 44, हाँ जी 20 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा रजे, 5, 4 × 5 = 20 होता है, 5 × 7 क्या आ जाएगा रजे, 35। अब मुझे बताओ रजे 44 by 20 या 34 by 20 किसने कम टाइम लिया था, 35 by 20 किसका था रजे, ये राहुल का, तो हम राइट करेंगे राहुल टुक मोर टाइम एंड जयदेव टेक लेस टाइम, देखिए क्लियर। ऐसे ही आपने इन सभी सम्स को सॉल्व करना है, ये जैसे 8th and 9th सम में हमें बताना था कि विच इज़ ग्रेटर वाला, बस इसमें स्टेटमेंट्स हैं, हमने वैसे ही सॉल्व करना है इसे, क्लियर। हेयर आर चैप्टर इज़ कम्प्लीट, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वारी रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क टू मी।